बहन कैसे हो आप सभी। तो आज मैं कानपुर की मोस्ट फेमस रेसिपी है धनिए वाले आलू। ये रेसिपी बहुत खाई जाती है कानपुर में और ये आप सभी से शेयर कर रही हूँ। धनिए वाले आलू और पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है ये। तो चलिए वाले आलू बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं आलू, बॉईल किए हुए आलू हैं। और यहाँ पर लिया है हमने ये धनिया, हरा हरा धनिया मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर लिए हैं हमने 2 हरी मिर्च और स्पाइसी वाली नहीं है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलू को कट कर लेते हैं। तो बॉईल किए हुए आलू हैं और कोई भी आलू आप इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे बड़े। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले बॉईल करके रख लिया है और इनको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं आलूओं को। और ये चाट बहुत टेस्टी बनती है। और ये चाट की एक खासियत ये है, इसमें कोई स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डलते। तो यहाँ पर धनिए को हम क्या करते हैं, धो के अच्छे से इसको मिक्सी ग्राइंड में डाल लेते हैं इस तरीके से। और एक बढ़िया सा इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी ये 2 हरी मिर्च, और ये अचार वाली मिर्ची है, स्पाइसी नहीं होती। तो 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ डालेंगे, ये आधा चम्मच डाला है खट्टे के लिए हमने अमचूर पाउडर, और आधा चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच डाल रहे हैं जीरा, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ये पानी। नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक डालने से मिक्सी ग्राइंडर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इसको पीस लेते हैं। बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है इसको बारीक। तो यहाँ पर हमने देखिए पेस्ट बना के रख लिया है धनिए का इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, आलूओं में ये पेस्ट अप्लाई कर डाल देते हैं और बहुत झटपट से बन के रेडी हो जाती है। मात्र 2 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। अब डालेंगे हम इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच दही, और इसको कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कर लेंगे अब हम मिक्स, और झटपट से हमारे ये धनिया आलू बन के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। ये देखिए आप ये झटपट से बना के खाइएगा। और मेरे ये धनिया आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं इसको अब चाट की तरह ही एक प्लेट में रख के खाऊंगी और इन्जॉय करूंगी। ये छोटी सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक बने रहिएगा रुपेश की रसोई में।